अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पांचा बनाना बताऊंगा, शलवार का पांचा किस तरह बनता है। ठीक है, शलवार की मैंने आपको कटिंग भी सिखाई है, इसके घेर को कवर करने का तरीका भी बताया आपको मैंने, और लास्टिक भी आपको बताई किस मेजरमेंट से लास्टिक डलती है। ठीक है, तो आज हम इसका पांचा बनाएंगे। तो ये हमारा पांचा है, ठीक है, और ये हमने बुकरम की पट्टी काटी हुई है, 1 इंच चौड़ी पट्टी है हमारी, और इसके हिसाब से, ठीक है, जितनी लंबी हमें चाहिए, जितना हमारा पांचा होता है, इसे हम मशीन पे लगाएंगे। अब ये देखिए, हमने जो पट्टी काटी हुई है ना, गले पे जो बुकरम लगाते हैं उसकी हमने पट्टी काटी हुई है। ठीक है, इसके पांचे की एक बुकरम और आती है, वो भी लगा सकते हैं आप, ये भी लगा सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो इसे भी हमने चिपकाया नहीं है, इसी तरह लगाएंगे जिस तरह हम उसकी पांचे वाली बुकरम लगाते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे हमारी नोक है, यहाँ पे हमारी लंबाई तैयार हो रही है शलवार की। ठीक है, तो हम बुकरम को यहाँ पे इस तरह रख लेंगे, और ये जो कपड़ा है एक्स्ट्रा, इसे हम इस तरह मोड़ के यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली, ठीक है, एक बार इसे यहाँ से इस तरह और मोड़ लेंगे, हम इसे सीधा रख लेंगे इस तरह। यहाँ पे पहले हम इसे लपकी सिलाई लगाएंगे, उसके बाद इसे बूट बूट के गेप से सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने लपकी सिलाई लगाई है, ठीक है, अब बूट की हम सिलाई लगाएंगे ऐसे ही नहीं, बस सिलाई लगा लेंगे, हमें इसमें जो है ना कपड़े को थोड़ा सा समझना होता है। ठीक है, अगर हम इसी तरह नॉर्मल सिलाई लगा लेंगे तो यहाँ से इस तरह एक खिंचता चला जाएगा, झोल आ जाएगा इसमें, तो इसे हमें यहाँ से थोड़ा सा इस तरह ऊपर की साइड करके रखना है, और यहाँ से बिल्कुल भी खींचना नहीं है इस कपड़े को, हमें ऐसे बिल्कुल सीधा रखना है, इस तरह जैसे कि आ रहा है ना, इसी तरह रखना है हमें सीधा। ये देखें, एक एक बूट के गैप से मैंने इसे सिलाइयाँ लगा ली। अब इसके सेंटर में बिल्कुल हमें सिलाई लगानी है, बिल्कुल सेंटर में लगनी चाहिए हमारी सिलाई, ठीक है, इसे यहाँ से इस तरह रखेंगे जहाँ पे हमारी सुई चलती है, जो हमारा सुराख आ रहा है, ठीक है, ये हमारे इसके बिल्कुल सिलाई के सेंटर में आना चाहिए, तभी हमारी सिलाई बिल्कुल सेंटर में लगेगी। ये देखिए, मैंने सेंटर में सिलाई लगा ली, कहीं पे भी हमारी सिलाई टेढ़ी नहीं हो रही, ठीक है, इसी तरह सेंटर में सिलाई लगाया करें हम। पांचा बनाते हैं ना, पांचा हमारा मेन होता है शलवार में, ठीक है, पांचे में हमारी फिनिशिंग आना लाजमी है, इसी तरह बिल्कुल सीधी सिलाई होनी चाहिए, टेढ़ी बिल्कुल भी ना हमारी सिलाई। इनसे यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे, इसे इस तरह डबल करके यहाँ पे हम इसकी सिलाई लगा लेंगे अपनी नाली की। ये देखिए, मैंने नाली की सिलाई लगाई है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने नोक नहीं बनाई आसन वाली जगह पे, यहाँ पे इसे शेप दिया है गोलाई का, ठीक है, और ये देखें यहाँ पे जो सिलाई लगती है वो भी इसी तरह बिल्कुल सीधी आती है, ऐसे नहीं यहाँ पे आप यहाँ पे सीधी सिलाई लगा के यहाँ से आप इस तरह मोड़ लें, इस तरह नहीं होती, बिल्कुल इस तरह सीधी आनी चाहिए हमारी सिलाई, ठीक है। अब दूसरी साइड का पांचा भी बना के हम इसी तरह नाली बंद कर देंगे इसमें।